चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चन. ओके. इन एन इंश्योरेंस कंपनीज पोर्टफोलियो, मेरा स्क्रीन विजिबल है ना, इंडिविजुअल क्लेम साइजेस इन पाउंड्स फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस पैरामीटर. तो ये क्या दिया हुआ है, क्लेम साइज दिया हुआ है. इंडिविजुअल एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल. इन आर कंसोल रन द फॉलोइंग कोड, सेट डॉट सी रन करने बोल रहा है बेसिकली, एंड देन यूज आर टू सिमुलेट 10,000 क्लेम्स एंड प्लॉट अ हिस्टोग्राम ऑफ द सिमुलेटेड डेटा. करो स्टार्ट करो, बहुत सिंपल है ये वाला. तो दिस इज आंसर थ्री. क्लेम, अच्छा सीड वैल्यू क्या बोला है, देन पार्ट वन. पार्ट वन में ही सीड वैल्यू रन कर सकते थे क्योंकि वो पार्ट वन का ही है. ओके क्लेम्स में डाल दो, क्या यूज करेंगे, आर ई एक्स पी, कितने वैल्यूज बोले, 10,000. 10,000 एंड लैम्डा हो जाएगा 0.0001. ठीक है, हेड चेक कर लो. एंड इसका हिस्टोग्राम, हिस्ट फंक्शन सिंपल. तो ये क्या दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड. तो ये दिख रहा है पॉजिटिवली स्क्यूड है. इसमें टाइटल दे दो, टाइटल में लिख दो हिस्टोग्राम ऑफ 10,000 सिमुलेटेड वैल्यूज फ्रॉम एक्सपोनेंशियल 0.0001. लिखो प्रॉपर, सब लोग टाइटल लिख के रन करेंगे. हिस्टोग्राम ऑफ 10,000 सिमुलेटेड वैल्यूज, क्लेम अमाउंट्स भी लिख सकते हो, 10,000 क्लेम अमाउंट्स फ्रॉम एक्सपोनेंशियल 0.0001. ठीक है, नेक्स्ट. कैलकुलेट द मीन एंड वेरियंस ऑफ द सिमुलेटेड क्लेम्स इन पार्ट. आया सबका ऐसा, सेम जस्ट दैट योर टाइटल शुड बी डिफरेंट, मैंने नहीं लिखा है. नेक्स्ट बोल रहे कैलकुलेट द मीन एंड वेरियंस. तो मीन एंड वेरियंस निकाल लो पहले, तो मीन ऑफ क्लेम्स एंड वेरियंस ऑफ क्लेम्स. कंपेयर आंसर इन पार्ट टू ए विद द हिस्टोरिकल वैल्यूज, हिस्टोरिकल वैल्यूज फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो एक्स हिस्टोरिकल वैल्यू, थियोरेटिकल वैल्यूज के लिए तुम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, थियोरेटिकल मीन ऑफ एक्स. तो पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा, खाली ऐसे 1/λ मत कर देना. थियोरेटिकल मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल 1 बाय या फिर एक्सपोनेंशियल लैम्डा, थियोरेटिकल मीन एंड वेरियंस ऑफ एक्सपोनेंशियल लैम्डा इज 1/λ एंड 1 बाय क्या होता है, वेरी सिंपल, लैम्डा स्क्वायर रिस्पेक्टिवली. पूरा लिख देना रिस्पेक्टिवली, आई हैव गिवन द शॉर्ट फॉर्म. सो सिंपली 1/0. अगर आप लोगों ने लैम्डा में डाल दिया इट्स गुड, नहीं डाले तो ऐसे करके करो. ठीक है, सो नाउ इफ यू कंपेयर क्या बोलेंगे,
मीन काफी क्लोज है, ठीक है, बहुत कम डिफरेंस है, एंड वेरियंस कितना होना चाहिए? ये 10,000 है ना, 4 जीरोज और 4 जीरोज, 8 जीरोज, ठीक है, मतलब 8 जीरोज मतलब क्या हो गया, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन हुआ ना, 100, हाँ ये प्लस है ना, 1e+08 मतलब 10^8, विच इज 100 मिलियन हुआ, या 0.1 बिलियन, वॉट एवर, तो वेरी क्लोज है ये भी, है ना. द डिफरेंस वी सी इज ड्यू टू वॉट, सैम्पलिंग. बट सिंस यू हैव टेकन, कितने हमने निकाले, 10,000 वैल्यूज निकाले, सो इट्स अ स्टिल अ गुड अप्रोक्सीमेशन दैट वी आर गेटिंग. लिख दो. ठीक है, नेक्स्ट. कैलकुलेट द मीन एंड, अच्छा, द इंश्योरर डिसाइड्स टू टेक आउट एन इंडिविजुअल XOL, तो मतलब एक्स वाला जो था, X-M, याद है, रिटेंशन इज 20,000. कैलकुलेट, तो बेसिकली एनी क्लेम विच इज ग्रेटर देन 20,000, री इंश्योरर पे करेगा, एंड इंश्योरर खाली 20,000 पे करेगा. कैलकुलेट द मीन एंड वेरियंस ऑफ द क्लेम्स पेड अंडर दिस अरेंजमेंट बाय द इंश्योरर एंड द री इंश्योरर. तो पहले इंश्योरर का निकाल लो कि इंश्योरर कितने क्लेम्स देगा, री इंश्योरर कितने क्लेम्स देगा, एंड उसका मीन एंड उसका वेरियंस निकालो. ट्राई करो, खुद से करो. पहले दो वेक्टर बना लो, एक इंश्योरर का वेक्टर बना लो, एक री इंश्योरर का वेक्टर बना लो. सो फॉर इंश्योरर, क्लेम्स डॉट इंश्योरर लिख लो. मैं इंश्योरर डॉट क्लेम्स कर देते हैं, कुछ भी. क्या होगा, दो वेक्टर है बेसिकली. अगर हम लोग वेक्टर ले, ये पूरा क्लेम्स वाला, उसमें आपको खाली 20, 20, 25 है, 20,000 के नीचे जितने वैल्यूज है वो लेने हैं, उससे जो ऊपर होंगे उसका खाली आपको 20 लेना है. तो कौन सा ही फंक्शन हमने किया था, पीमिन, पैरेलल मिनिमम, मतलब बेसिकली जब वेक्टर, एक पूरा वेक्टर है और एक खाली नंबर है, तो वो नंबर को हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट से देखना है कि वो मिनिमम कौन सा आ रहा है. तो एनी नंबर, लाइक 50,000 है, तो 20,000 ही पे करेंगे, तो मिनिमम ऑफ दैट टू. सो पीमिन ऑफ क्लेम्स कॉमा, यू कैन टेक 20,000 इन अनदर वेरिएबल एम एंड पुट इट इफ यू वॉन्ट, दिस इज ऑल्सो फाइन. अब इसका मीन अब इसका मीन निकालो एंड इसका वेरियंस निकालो. सेम यू डू फॉर री इंश्योरर, करो खुद से. क्या ले लेंगे इधर, सपोज 50,000 का क्लेम है, तो कितना पे करेगा उसमें, 50,000 में री इंश्योरर, 50-20 है ना, तो वो कैसे निकालेंगे बताओ. सो बेसिकली मैक्सिमम ऑफ 0, X-20,000, एक्स इज द क्लेम. तो अगर सपोज एक्स नेगेटिव, एक्स 20,000 से छोटा है,
10,000 है, तो वो नेगेटिव आ जाएगा, तो मैक्सिमम मतलब वो जीरो ले लो, जीरो पे करेगा ना वो, तो इधर आप कर सकते हो माइनस दिस और जीरो पी मैक्स, इधर ले लेंगे अपने री इंश्योरर, मीन वेरिएंस, रिमेम्बर हम लोगों ने प्रूव करा था, अगर हम लोग पूरे का मीन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मीन ऑफ वाई प्लस मीन ऑफ जेड, वाई इज फॉर द रीइंश्योरर एंड एक्स इज जेड इज फॉर द, अरे वाई इज फॉर द इंश्योरर एंड जेड, तो वो हम लोगों ने देखा था पूरा आता है, बट वेरियंस के लिए वो चीज नहीं होता है। आप लोगों ने प्रूव किया था ना, वेरियंस ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वेरियंस ऑफ वाई प्लस वेरियंस ऑफ जेड इन केस ऑफ एक्सवेल, ऑल्सो इन केस ऑफ प्रपोर्शनल, नहीं प्रपोर्शनल में होता है क्योंकि वो कैंसिल हो जाते हैं ना, नहीं एक सेकेंड, उसमें भी कैसे होगा, उसमें भी नहीं होता है। ठीक है, तो वेरियंस ऑफ एक्स क्या होता है, मतलब वेरियंस ऑफ वाई क्या होता है, अल्फा ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स, एंड वेरियंस ऑफ जेड क्या होता है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर होगा बाहर आएगा ना, तो अल्फा स्क्वायर ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स एंड अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर टोटल का स्क्वायर वेरियंस ऑफ, नहीं वेरियंस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स, सो इट विल नॉट एड अप ना, मतलब बेसिकली वो तो वेरियंस के लिए इट्स नॉट, बिकॉज क्या रीजन दिया था हमने, इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो कैसे होगा इक्वल। ठीक है, द इंश्योरर हु, तो अब कुछ कमेंट ये सब नहीं है, बस निकालना था, द इंश्योरर विशेस टू डिटरमाइन एन अप्रोप्रिएट रिटेंशन लिमिट एंड हैज आस्ड एन एनालिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट रिटेंशन लिमिट्स ऑन द मीन एंड वेरियंस ऑफ क्लेम्स, द इंश्योरर विशेस टू डिटरमाइन एन अप्रोप्रिएट रिटेंशन लिमिट, को एक अप्रोप्रिएट एम निकालने बोला है, एंड हैज आस्ड एन एनालिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट रिटेंशन लिमिट्स ऑन द मीन एंड वेरियंस ऑफ द क्लेम्स, कैलकुलेट मीन एंड वेरियंस ऑफ द क्लेम्स पेड बाय द इंश्योरर एंड द रीइंश्योरर अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग 6 रिटेंशन लेवल्स। तो आप लोगों को 6 रिटेंशन लेवल्स दे दिए, अब बोला है कि इन 6 रिटेंशन लेवल में से मीन एंड वेरियंस निकालो ऑफ इंश्योरर एंड ऑफ री इंश्योरर, करो कैसे करेंगे, इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ फंक्शन और अ लूप यू कैन डू दैट, कैसा होगा इसका वेक्टर बना लो, ठीक है इसका एक वेक्टर बना लो, उसके बाद है फिर से स्टार्ट हो गया इसका, अपने बना लेंगे पहले, फिर लूप के अंदर आई गोज फ्रॉम 1 टू 6, फिर सारा वैल्यूज एक्सट्रैक्ट हो गया, फिर उसका मीन एंड उसका वेरियंस। देखो दो मेथड्स है इधर, फ्रॉम स्क्रैच वाला मेथड करना जो अभी कर रहे हैं वो करना है करो, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो विथ लूप्स एंड फंक्शंस तो आप लोग लूप एंड फंक्शन बनाओ, दे हैव डन इट, व्हाट दे हैव डन इज इन्होंने ये पूरा जो है इसी को कॉपी कर दिया है, इस वाले लाइन को 6 बार, dot 1 dot 2 dot 3 करके dot 6 तक, और हर एक m को चेंज कर करके निकाल लिया, फिर मीन को साथ में एक मीन का वेक्टर बना दिया, मतलब 6 मीन्स आएंगे ना, तो 6ों का साथ में एक वेक्टर बना दिया एंड 6 वेरियंसेस आएंगे उसका 6ों का, बट अगर तो वो आप लोग देख सकते हो सॉल्यूशन से भी,
ठीक है, देख लो ये करा है इन्होंने. यू कैन डू दिस और यू कैन क्रिएट अ फंक्शन. सो दोज हु वॉन्ट टू क्रिएट अ फंक्शन, मेक श्योर इट नॉट टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज इफ इट इज देन यू कैन गो विद द स्क्रैच, बिकॉज एग्जाम में द ओनली थिंग दैट बॉदर्स अस इज द टाइम, नथिंग एल्स. तो पहले एम का अपने क्विकली वो बना लेंगे, 5000, 10, 20, फिर क्या है? ठीक है, ये हो गया. अब लेट्स सपोज दो वो बना लो, मीन इंश्योरर डॉट मीन, ठीक है, या मीन ऑफ इंश्योरर, मीन डॉट इंश्योरेंस, वट एवर. इसमें 0 रिपीट कर दो 6 टाइम्स, या न्यूमेरिक ले लो, न्यूमेरिक 6, मतलब क्या हो गया ये, इंश्योरेंस वेरियंस, इंश्योरर का वेरियंस, 6 बार 0, 6 बार 0 ले लिया है. ठीक है, साथ में बनाएंगे सब, ट्राई करते हैं बनाने का, व्हाट्स द हार्म. स्ट्रेट अवे लूप रन करो, इसमें आप लोग को फंक्शन बनाने का कोई जरूरत नहीं है. इन 1 2 6 लिख सकते हो, या लेंथ ऑफ एम लिख सकते हो, वट एवर. अब इसके अंदर सबसे पहले तो इंश्योरर का क्लेम्स निकलेगा, क्या होगा इसका क्लेम्स, पी मेन ऑफ क्लेम्स कॉमा एम इंडेक्स 1, ठीक है. फिर इसका मीन निकालेंगे, बट ये 6 बार हो रहा है ना, तो लूप के बाहर लेना होगा. सो वी नीड टू, आई थिंक वील हैव टू क्रिएट अ फंक्शन ना, क्योंकि लूप के बाहर ही तो इसका मीन ये तो तुम्हारा 6, लूप तो होगा, ये वाला तुम्हारा 6 बार रन किया, बट हर 6 बार रन करने के बाद मीन भी तो निकालना है उसका. अच्छा, वैसे करके करना है क्या? ठीक है, हाँ, चलो वैसे भी कर सकते हैं. ठीक है, हाँ, तो इंश्योरर, हाँ ठीक है, चलो वैसे कर लो. इंश्योरर डॉट मीन का 1 में हम लोग डाल देंगे मीन ऑफ इंश्योरर. अच्छा हाँ, ही होगा ये वाला. और इंश्योरर डॉट वेरियंस में डाल देंगे आई वेरियंस और इंश्योरर. सही है, इसको रन करो. अब देखते हैं अपना ये आया क्या. मैंने ऊपर वाले रन किए थे, हाँ. इंश्योरर डॉट मीन, इंश्योरर डॉट, देख लो. ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. पूछो. सो इफ यू आर लाइक, आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट लूप, हमने इसे ज्यादा डिफिकल्ट लूप एंड फंक्शंस किए हैं. सो इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू दिस.
अब सेम एम को रन करने का जरूरत है क्या? एम को रन करने का जरूरत नहीं है। पार्ट बी इसमें ले लेंगे री इंश्योरर। ठीक है, री इंश्योरर का मीन एंड वेरियंस आ गया। इसमें कर दो सेम पी मैक्स ऑफ 0, क्लेम माइनस एम, इसको भी चेंज कर दो। ठीक है, देख लो। सो ईच टाइम द लूप रन्स, पहला टाइम जब लूप रन होगा तो री इंश्योरेंस में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 0 और क्लेम माइनस 5,000। फिर वो आ गया, सारे नंबर्स आ गए, उसका मीन निकाला, उसका वेरियंस निकाला। फिर वापस लूप रन होगा तो आपका सेकेंड एम जो है वो आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैच कर लो आंसर्स, इज इट डिफरेंट और सेम? कुछ बोला नहीं है, वी आर टेकिंग अनकंडीशनल मीन एंड वेरियंस। रिमेम्बर ये अनकंडीशनल है, आप सारे वैल्यूज ऑफ जेड को, आप 0 को कंसिडर कर रहे हो। अगर कंडीशनल निकालना होता तो क्या देखना पड़ता कि कितने, ये सब क्लेम्स के लिए नहीं माइनस होता, यहाँ इंडेक्सिंग करते अपने, ओनली दोज क्लेम्स विच आर ग्रेटर देन 20,000 या फिर जो भी आपका एम है। डब्ल्यू निकालते ना, विच इज एक्स माइनस एम गिवन एक्स इज ग्रेटर देन एम, तो वो डाल के करते तो ऑब्वियसली आपका मीन भी डिफरेंट आता एंड वेरियंस भी डिफरेंट आता, दोनों चीजें डिफरेंट आती। ठीक है। क्या? नहीं, कौन बोला? मीन तो कम होगा, मीन नहीं, मीन तो इंक्रीज होगा क्योंकि तुम ऊपर में जीरोस ले रहे हैं, नीचे में तो मीन इंक्रीज होगा, वेरिएंस भी इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा? ये कितना आ रहा है? 384 लाख के अराउंड है ना? बढ़ेगा, एन कम हो गए ना, डिवाइड तुम कम से कर रहे हैं, ऊपर में तुम 0, तो मीन कैसे निकाल, वेरियंस कैसे निकालते? एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, सम समेशन। एन तुम्हारा कम हो गया बहुत। ठीक है, ऊपर में एक्स माइनस एक्स बार जब तुम कर रहा था होल स्क्वायर, तुम जीरोस वाला टर्म को नहीं ले रहा था, मतलब 0 वाला जो टर्म आ रहा था वो तुम्हारा मीन स्क्वायर हो जा रहा था, यहाँ पे तुम उसको कंसिडर नहीं। इट शुड इंक्रीज, तो क्या हुआ? गलत बोल रहे, करो ज्यादा आएगा वेरियंस, कर एक का करके देख लो ना, 5,000 के लिए करके देख लेते हैं कैसे निकालेंगे, बताओ। पी मैक्स ऑफ क्या करेंगे, 0, क्लेम्स, बट क्लेम्स में अपने क्या करेंगे, इंडेक्सेशन की, क्लेम्स ग्रेटर देन 5,000 के लिए अगर करते, 5,000 माइनस 5,000, एक बार देख लो। ये बेसिकली ये क्या हो गया, यहाँ सारे वो वैल्यूज ऑफ क्लेम्स लेंगे विच आर ग्रेटर देन 5,000 के, नीचे वाला नहीं लेंगे। ठीक है, वो उसको पता ही नहीं चला ना, वो मेरे को पता ही नहीं चला,
एंड आइडियली इधर जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि इधर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगा ही नहीं। यही हो गया आपका W, x माइनस m गिवन x इज ग्रेटर देन m, यही हो गया। ठीक है ना, इसका मीन। सो कंपेयर करो, इंक्रीज हुआ है 10,000, ये 6,000, एंड डू इट फॉर वेरियंस एज वेल। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 84। एन बहुत डिक्रीज हो जाता है ना, लेंथ निकाल लेते हैं अपने इसका, देखो कितने समझ आ जाएगा। क्लेम्स में कितने वैल्यूज हैं? ए क्लेम्स का ही निकाल दिया मैंने, 6,000, तो इतना कम हो गया ना, इसीलिए नॉट नेसेसरीली कि तुम्हारा हमेशा। थ्योरम, सो इफ नथिंग इज गिवन, आइडियली थ्योरी में मैंने बोला था अनकंडीशनल निकालना, तो यहां अगर आप दोनों निकालते हो आर में इट्स फाइन, सिंस दे हैव नॉट मेंशनड एनीथिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। प्लॉट योर रिजल्ट्स फ्रॉम पार्ट फोर ऑन फोर सेपरेट चार्ट्स टू शो हाउ द मीन एंड वेरियंस ऑफ द क्लेम्स पेड बाय द इंश्योरर एंड री इंश्योरर वेरी विथ रिटेंशन लेवल। क्या क्या प्लॉट करना है? एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है? रिटेंशन लेवल एम, वाई एक्सिस पे मीन एंड वेरियंस ऑफ इंश्योरर एंड री इंश्योरर प्लॉट करना है। तो ऊपर में अब देखो कितना अच्छा हो गया, हमने ऑलरेडी बना ही लिया चार वेक्टर, एम है ही हमारे पास। चलो प्लॉट करो खुद से, किसी भी एक प्लॉट से स्टार्ट करो ना, एंड उसमें लाइंस बना बना के ऐड ऑन करते रहना, और क्या है? नहीं क्यों, एक ही प्लॉट बोला है। अच्छा वो फोर सेपरेट चार्ट्स बोला है, नहीं मतलब देखो यूजुअली पार एम एफ मैंने देखा नहीं है कि CS2 में वो करते हैं, अनलेस वो टाइम सीरीज का जो आज की सम करा उसमें करते हैं। खाली कर भी सकते हो तुम लोगों को पार एम एफ करना है तो नहीं भी कर सकते हो, इट्स योर विश। इन्होंने भी नहीं किया यस, बट CS2 में आई हैव नॉट सीन देम यूजिंग इट। एक ही फिर बोल देते हैं ना इन वन प्लॉट एरिया, ये चीज नहीं। क्यों, एक चार्ट के ऊपर चार तुम नहीं प्लॉट कर सकते? हाँ वेरियंस का तो एनीवेज बहुत डिफिकल्ट होता मीन के साथ प्लॉट करना, बट फोर सेपरेट चार्ट्स इन सेम प्लॉट एरिया बोलता फिर, अगर उनको चाहिए। तुम दोनों करो, दोनों का मार्क्स मिलेगा, मार्क्स दे विल नॉट डिटेक्ट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड वहां जो मैंने टाइम सीरीज में दिखाया, अगर तुम वो तीनों को अलग अलग में भी करते हो तो दे विल नेवर डिडक्ट योर मार्क्स। इट ओनली हैपेंस इन CS1 दैट दे क्लियरली मेंशन कि इन वन प्लॉट एरिया, यहाँ पे दे नॉट मेंशन। सो वो प्लॉट टाइम सीरीज में हमने वैसे इसीलिए किया क्योंकि हमने वैसा सीखा भी है क्लास में असाइनमेंट में। सो इट्स योर विश कि आप कैसे करते हो, आप चार अलग भी बना सकते हो। मेरे ख्याल से चार अलग बनाने से वो क्या क्लैरिटी रहता है, अदरवाइज यू कैन, क्योंकि वेरियंस एंड मीन है तो मीन का बहुत ही छोटा आएगा और वेरियंस का बड़ा आएगा ना लिमिट्स, इसीलिए। चलो प्लॉट करना है, एक तो स्टार्ट करो, हमने एम में ले रखा है ये। पहला हम लोग करते हैं इंश्योरर का मीन, ऐसा कुछ आ रहा है डॉटेड, इन्होंने कुछ बोला है डॉटेड करना है कि क्या करना है? नहीं तो आई थिंक लाइन ही बेटर होता है, या फिर बोथ बना दो, है ना, टाइप में बोथ भी बना सकते हो। टाइटल दे दो, टाइटल में क्या लिखेंगे? मीन क्लेम अमाउंट, मीन क्लेम अमाउंट बोलो, मीन क्लेम अमाउंट इंश्योरर फॉर डिफरेंट रेट,
स्लैब दे दो, रिटेंशन लेवल, टेंशन लिमिट भी दे सकते हैं। इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है? ठीक है, लेट्स मेक इट लिमिट। अच्छा होगा ना कि एक ही प्लॉट में अगर ट्राई कर सकता है तो कंपेयर करना इजी होगा, हम कुछ मीन कर सकते हैं। तुम जैसे भी करना तुम कर, बट मेरे ख्याल से बहुत हॉचपॉच हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला इट्स नॉट नेसेसरी, दे आर नॉट आस्किंग यू टू मेक इट। ये हो गया मीन ऑफ, सेम मैं कर रही हूं, मैं अब ये सब नहीं करूंगी, ये आप लोग करना प्लीज, एक्स लैब वाई लैब। री इंश्योरर, इन्होंने क्या किया? लाइन चार्ट, इन्होंने खाली लाइन चार्ट करा है। सब इस पे कमेंट करेंगे फिर। क्या हुआ? एकदम गहरा सोच में कहाँ पहुंच गया तुम लोग? टाइप क्यों नहीं कर रहे कमेंट? करो, आई विल चेक।
ये टेस्ट है। पिच विच वन करो कृतिका, 6 मार्क्स है। कौन क्या प्राची, उस तरफ से आया पिच। नहीं इसमें तुम क्या क्या, अब तो तुम अच्छे से टाइप अगर आज नहीं किया ना कमेंट, तो तुम देखना बस 6 मार्क्स का है। कमेंट विथ रेफरेंस टू द टोटल वेरिएंस ऑन योर रिजल्ट्स, टोटल वेरिएंस रेफरेंस बना के कमेंट करना। चलो सब लोग टाइप करेंगे, आई वॉन्ट टू सी कि आप लोग क्या टाइप करते हो। एक लाइन में अगर तुम लोग ढंग से टाइप कर दिया ना तो अच्छी बात है फिर। टोटल वेरिएंस एक बार में कैसे निकाल सकते हैं, दोनों वेक्टर्स को ऐड करके। इंश्योरेंस डॉट वार प्लस री इंश्योरेंस डॉट, कितने स्मार्ट हो गया तुम लोग मेरे साथ रह रहे के, वेरी गुड। एक घंटा तुम लोग को ब्रेक मिल गया ठीक है ना, अब तुम लोग 2-3 घंटा तक कुछ मत बोलना। चलो ये भी अगर तुम लोग को मन है ये सब भी मैं रन कर देती हूँ। अब तुम लोग आराम से कंपेयर करो। चलो ग्राफ्स के लिए के 4 ग्राफ है, चारों के लिए एक एक लाइन लिख सकते हैं। 4 मार्क यहाँ मिल गया और 2 मार्क और मिलेगा, तुम लोग टोटल के साथ कंपेयर कर देना। हो गया करो।
हो गया, लिखो। बोलो, आदित्य से स्टार्ट करेंगे, वो बहुत पिच पिच कर रहा था। चलो आदित्य बोलो, पहले तो मेन क्लेम अमाउंट पे कमेंट करो ऑफ इंश्योरर। क्लेम्स ऑफ द इंश्योरर एंड री इंश्योरर वी सी दैट पहले खाली इंश्योरर का बोलो। मेन क्लेम अमाउंट ऑफ द इंश्योरर इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस द रिटेंशन लिमिट By the mean claim amount of the reinsurer decreases with the increase in retention level. पहले इसके बारे में खाली बताओ, व्हाई इट इंक्रीजेस, इंक्रीजेस व्हाई इट इंक्रीजेस क्यों, तो वो रीजन तो बताओ। क्योंकि रिटेंशन लिमिट इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा क्लेम्स किसको पे करना पड़ेगा, इंश्योरर को पे करना पड़ेगा। बट इसमें एक चीज देखो, जब 5,000 था उससे 10,000 गया तो कितना शार्प, ये देखो नहीं, इंश्योरर का मीन कितना शार्प इंक्रीज है, ठीक है, 3,900 से सीधा 6,300, उसके बाद उतना शार्प इंक्रीज, एंड यहां तो एकदम ही इंक्रीज नहीं हो रहा है उतना ज्यादा। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जो आपके क्लेम अमाउंट्स हैं उसका मीन क्या है? हाँ, टोटल मीन देखो ना, टोटल मीन क्या है? एक सेकेंड, पहले तो ये मैंने गलत किया, दिस यू कैन नॉट ऐड, ये गलत है, ये गलत है, तो ये हटा देना तुम लोग प्लीज, तो बहुत गलत हो जाएगा पूरा। मीन कितना है? 10,000 है, तो आपका जो टोटल क्लेम अमाउंट है वो ही तो आपका 10 कर रहा है टुवर्ड्स, आप एक्सपोनेंशियल क्या ले रहे हो, 0.0001। तो अगर आपका रिटेंशन विल टेंड टुवर्ड्स द हाईएस्ट क्लेम अमाउंट, हाईएस्ट क्लेम अमाउंट अगर हम लोग देखे मैक्स ऑफ क्लेम्स, चीज को समझना, 90,000 है। सो इफ, एंड ये आपका 50,000 हो गया, सो इफ योर रिटेंशन इज ओनली टेंडिंग टुवर्ड्स द मैक्सिमम क्लेम साइज, तो ज्यादा प्रपोर्शन कौन पे किया? इंश्योरर पे किया ना, तो इंश्योरर का मीन तो ग्रो करेगा ही ज्यादा से ज्यादा। और एक पॉइंट के बाद जब देख रहे हैं, ये तो हमने मैक्स निकाला, बट अगर आप लोग वो निकाल रहे हो, क्या बोलते हो, मीन, मीन इज समवेयर अराउंड 10,000। तो अगर हम लोग पीछे जाए, ये वाला मोस्ट ऑफ द क्लेम्स आर अराउंड, बेसिक स्टेटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट, मोस्ट ऑफ द क्लेम्स आर अराउंड 0 to 25, कुछ क्लेम्स है जो हाई है। अब अगर आपका क्लेम मीन, आपका जो रिटेंशन है अगर वो ही इधर 50,000 है, तो मैक्सिमम तो ऑलरेडी वो पे कर ही दिया, तो अगर आपका टोटल मीन इज 10,000 एंड यहाँ अगर आपका मीन ऑफ द इंश्योरर इज टेंडिंग टुवर्ड्स 10,000, इट्स नॉट अ बिग डील,
है ना, इफ एम टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब एट द एंड एकदम, तो मीन ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई विल टेंड टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ओनली. यू हैव टू राइट दिस ऑल्सो ना, कि ये क्यों आपका जो प्लॉट है वो शुरू में इंक्रीज हुआ एट अ इंक्रीजिंग रेट, बट देन इट्स ग्रेजुअली स्टार्टेड टू इंक्रीज एट अ वाई, बिकॉज अब वो चला गया ना ऑलरेडी, तो 9,000 के एकदम क्लोज पहुंच चुके हैं. 40,000 अगर आप रिटेंशन कर देते हो, मोस्ट ऑफ द क्लेम्स 40,000 के नीचे ही था. अब अगर आप उसको 50 कर भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आप उसको 60 कर भी दोगे तो एक या दो ही क्लेम तो अंदर आया. एनी विच वेज 40 के अंदर ही ये सारा क्लेम्स. गॉट द लॉजिक? हाँ, री इंश्योरर का बोलो, सेम लॉजिक है. री इंश्योरर के लिए एज द रिटेंशन विल इंक्रीज, द री इंश्योरर विल बी गेटिंग टू थिंग्स, लेसर नंबर ऑफ क्लेम्स, एंड सेकेंडली जो भी क्लेम एग्जिस्टिंग क्लेम अमाउंट है जो रिटेंशन के ऊपर है उसमें वो कम अमाउंट ही पे करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर ये हो गया 40,000, पहली बात तो 40,000 से बड़े क्लेम्स है ही नहीं. अगर तीन चार बड़े क्लेम्स है भी तो उसका उसको मिलेगा, और -40 कर दोगे तो वो थोड़ा सा ही पार्ट पे किया. सो टू थिंग्स हैपन, ये हमने पढ़ा है सब थ्योरी क्लास में, याद है हमने बोला था दो चीजें होती है जो आप रिटेंशन चेंज करते हो. री इंश्योरर के लिए क्या होगा, कम से कम क्लेम्स अब उसको मिलेगा, जितना भी क्लेम्स अब मिलेगा भी उसमें उसका शेयरिंग बहुत कम हो जाएगा. सो ऑब्वियसली इट विल, एंड अगेन इट्स ऑल्सो गेटिंग फ्लैटर. ये अगर आपका 9,000 के अराउंड हो गया तो ये तो आपका, ये भी तो आपका एक अमाउंट के अराउंड हो जाएगा. दिस विल टेंड टू जीरो. एज रिटेंशन इंक्रीजेस योर एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन या मीन ऑफ द री इंश्योरर क्लेम विल टेंड टू जीरो. नेक्स्ट वेरिएंस का बोलो. हाँ वाले में हम लोग टोटल वेरिएंस का कांसेप्ट आ सकते हाँ टोटल वेरिएंस का आ ही गया, तो टोटल मीन का आ गया तो कॉन्सेप्ट. और ये देखो अब इसके लिए बताओ, एज योर मीन इंक्रीजेस वेरियंस इंक्रीजेस. एक चीज समझो, एक और इन्होंने वर्ड, मैंने जो कुछ कुछ लाइंस बोले ना वो इन्होंने नहीं लिखा है, तो तुम लोग लिख लेना, इन लोग का बहुत शॉर्ट आंसर है. दिस इमेज, दिस ग्राफ मीन ऑफ इंश्योरर इज एग्जैक्टली अ मिरर इमेज ऑफ दिस, ऑब्वियसली बिकॉज इट शुड एड अप टू टोटल, एड अप टू 10,000 समथिंग जो भी है. तो ये होगा. अब इन दोनों का देखो, वेरियंस के नॉट बी द मिरर इमेज, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों का वेरियंस इज नॉट. तो ये आप लोग, अगर टोटल वेरियंस हम लोगों ने निकाला था ऊपर इधर, तो अगर हम लोगों ने टोटल वेरियंस निकाला था ना ये वाला, तो वो इस केस में आप प्रूव कर सकते हो. यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज नॉट द टोटल वेरियंस, नॉट द एक्चुअल टोटल वेरियंस या वेरियंस ऑफ द क्लेम्स. Why? Because insurers and reinsurance claim amounts are not independent. But अगर उतना डिटेल्स में इस क्वेश्चन में लिखना, आप लोग स्ट्रेट अवे क्या लिखोगे कि इसका री इंश्योर का और इंश्योर का जो वेरियंस का ग्राफ है आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बिकॉज इन दोनों का टोटल इज नॉट इक्वल टू द टोटल वेरियंस. आप लोगों निकाल के दिखा दो, VAR ऑफ क्लेम्स करके दिखा दो, इट्स नॉट द टोटल, है ना. तो इसीलिए वो मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है. एंड अगेन एज योर रिटेंशन इंक्रीजेस योर वेरियंस विल इंक्रीज फॉर इंश्योरर, बिकॉज नाउ दे कैन एक्सपेक्ट. अगर क्यों वेरियंस, अगर आपका रिटेंशन 50,000 हो गया तो उससे क्या होगा, वेरिएबिलिटी मेरे पास इंक्रीज हो गया ना, कि भाई अब मेरा क्लेम साइज 0 से 50,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है, रेंज इंक्रीज हो गया, सो वेरियंस विल इंक्रीज. और उनका रेंज कम हो गया रीइंश्योरर का, तो उनका वेरियंस विल फॉल.
कब कमा रहे हैं? टोटल वेरिएंस इस केस में कमा रहे हैं जब आपका रिटेंशन 20,000 है. जब रिटेंशन 20,000 है तो इंश्योरर का वेरिएंस इज 43 एंड री इंश्योरर का इज 13. नहीं, ये वाला 25. ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें ये समझने की कोशिश करें व्हाट विल बी द आइडियल सिचुएशन फ्रॉम द एंटायर पॉइंट ऑफ व्यू, तो जहां पे आपका वेरिएंस सबसे कम है, ठीक है. बट अगर खाली फ्रॉम द इंश्योरर पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे तो सबसे ज्यादा लोएस्ट वेरिएंस ऑब्वियसली इसमें आएगा, और री इंश्योरर का पूछोगे तो सबसे ज्यादा लोएस्ट वेरिएंस इसमें आएगा. टोटल वेरिएंस नहीं है, री इंश्योरर का खाली वेरिएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे. नहीं ऐसा तो मेरा रिमेश वाला कॉन्सेप्ट समझा ना, वो तो किए इधर वेरिएंस ऑफ क्लेम्स. वो नहीं, मैं बोलने का ये मतलब है कि तुम्हारा ये जो मैंने अभी समझाया वो ये बोलने का मतलब है, तुम्हारे यहाँ पे प्लस एक और कोरिलेशन वाला टर्म आता है ना वेरिएंस में, अगर उसको इग्नोर करें एक बार के लिए तो तुम्हारा लोएस्ट इस केस में आ रहा है. हाँ. नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये निकाल के बोल सकते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रिटेंशन लिमिट फ्रॉम द एंटायर कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू विल बी 20,000, बिकॉज उसमें आपका टोटल वेरिएंस इग्नोरिंग एनी कोरिलेशन टर्म को वेरिएंस टर्म इज द लोएस्ट. मीन में तो है ही मिरर इमेज. ऑलरेडी तुम मीन के लिए बहुत कुछ लिख दिया है. 6 मार्क्स मतलब एटलीस्ट 10 गुड पॉइंट्स. ठीक है, बोलो. अब एक बात मेरे को ऑनेस्टली बताओ, अभी जो तुम लोग कमेंट लिखा, तुम लोग को कितना, ये सबसे इजी चैप्टर है डिस्कस कर लिए, डिफिकल्टी लगा कि नहीं कमेंट लिखने में? ऑल्दो डिस्कस कर लिया फिर भी लिखोगे तो टाइम, क्योंकि वी आर नॉट एट दिस स्टेज व्हेन वी आर डूइंग सीएमसीएस पेपर, वी आर नॉट एट अ स्टेज जहां हम लोग थ्योरी प्रॉपरली लिख पाए. एंड ये ऑनेस्ट फीडबैक है, हम लोग एक्चुअली करें वी ओनली डील विथ लॉट ऑफ नंबर्स, प्रूफ्स कर सकते हैं, नंबर्स से डील कर सकते हैं, बट जैसी थ्योरी आता है हम नहीं लिख पाते अच्छे से. देर आर ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स जो कर सकते हैं, 10 में से 2. ठीक है, देखो ऑनेस्टली टेलिंग यू, दो चीज होता है,
आप कितना भी हार्डवर्क कर लो, कितना भी पढ़ लो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, बट एग्जाम सिचुएशन में आप कैसे लिख पाते हो इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, एंड इट्स अ वेरी ऑनेस्ट लाइक सिचुएशन. बिकॉज मेरे साथ हुआ है ना, आई नो दैट आई वॉज अ वेरी 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 हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, बट स्टिल एग्जाम में वो पूरा डिलीवर कर पाना विद द सेम लेवल ऑफ, उसके लिए आपको थोड़ा फॉर हायर पेपर्स यू नीड दैट अ लिटिल स्मार्टनेस कि क्या स्किप करना है, क्या छोड़ दे छोड़ के आगे बढ़ना है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं कि एटलीस्ट सम मार्क्स वी गेट, इसमें कमेंट, तो थोड़ा वो स्मार्टनेस चाहिए. वो थोड़ा एग्जाम देने का जो एटीट्यूड है ना, वो अब हम लोग को बिल्ड करना है लास्ट 2 मंथ्स में, विच मोस्ट ऑफ यू डोंट हैव, बिकॉज इवन आई डिड नॉट हैव इट. ऑनेस्टली यू नीड टू गेट दैट एग्जाम गिविंग हैबिट वाला जो चीज है ना, एग्जाम में बहुत देखना, बहुत जन उतना बिना पढ़े दे गेट मोर मार्क्स देन यू. आई एम नॉट सेइंग दे टॉप, बट वो पढ़ेंगे तुमसे कम, वो इंटेलिजेंट तुम्हारे जितने ही होंगे बट उनको मार्क्स तुमसे ज्यादा मिलता है, बिकॉज वो बहुत स्मार्ट होते हैं. या आप लोग मन में जानते हो वो चीज कि वो आपसे स्मार्ट है, वो एग्जाम में कैसे ऐसे करके निकल जाता है उनका. क्यों? क्योंकि वो आंसर्स बहुत स्मार्टली करते, कहाँ स्किप करना है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, वो उनको आता है. सो प्लीज, लास्ट कमेंट अभी लिखने में दिक्कत हुआ है, 10 डेज बाद इसका इतना दिक्कत नहीं होगा, इससे थोड़ा कम प्रॉब्लम होगा, एंड वही 20 डेज बाद यू विल बी वेरी गुड इन राइटिंग कमेंट्स. सो प्लीज टाइप व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एनी पास्ट पेपर, खाली रीड मत करो कमेंट. क्लियर है? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है टाइपिंग में कहाँ इश्यू है? सब लोग कमेंट टाइप करके प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट इन क्लास कर लो, तो घर पे नहीं भी करोगे तो चलेगा. ऑल राइट, ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेपर. ऐसे मत करो.